जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। गुफ्तगू हमारी जारी थी, आरटीएस पे बात हो रही थी, जो कि एक 2018 इलेक्शन हुआ और बड़ी धूमधाम से इलेक्शन कमीशन की तरफ से कंपेन की गई कि ये इस दफ़ा जो हम इलेक्शन करवाएंगे वो बड़े अहम होंगे और उनका रिज़ल्ट भी फौरी हम देंगे। और आपको देखने में आया कि उसका रिज़ल्ट दूसरे दिन भी नहीं दे सका और दो दिन इस के रिज़ल्ट में लग गए और इतना फलाफ जो सिस्टम है वो हमारे पाकिस्तान में मुतारफ करवाया गया और हमारी दुनिया में, पूरी दुनिया में हमारा क्या वकार रहा, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे साथी रिपोर्टर मुजम्मल और एडवोकेट सीनियर एडवोकेट सरदार यकूब साहब मौजूद हैं। जी सरदार साहब, हम आरटीएस पे बात कर रहे थे, इस सिस्टम में बात करें, क्या ये सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान में कि दूसरी दुनिया में भी इसको देखें? दुनिया ने तो बहुत तरक्की कर ली है, वो तो लाइव आपको पोलिंग दिखाते हैं, लाइव रिजल्ट देते हैं। ये हमारे मुल्क में अलमी है कि ना अह लोगों को जो है ना बड़े बड़े इदारों में जानबूझ के बिठा देते हैं और ये फ्रॉड धोखेबाजी करने के लिए। ये अभी इन्होंने पूछा तक नहीं है, चेयरमैन नादरा पिछली गवर्नमेंट से आ रहा है, इस गवर्नमेंट ने उसको अपने पास रखा हुआ है। सरदार साहब, पूछा तक नहीं उससे कि भाई ये क्यों फ्लॉप हुआ। सरदार साहब, जो सिफारिश बढ़ती हो तो हालात ऐसे ही होते हैं। जैसे वो 3 साल के लिए वो नादरा में आया था जी, एक जॉब के तौर टेक्निकल चीफ टेक्निकल ऑफिसर के 3 साल के लिए, और जो ही उनकी मुद्दत खत्म होती गई 8 फरवरी को दोबारा फिर उन्हें अपॉइंट कर दिया गया चेयरमैन नादरा। और उनकी PhD का प्रॉब्लम था तो क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया गया। नहीं, आप समझते हैं कि इसी तरह जो है वो कानून चेंज किए जाए और दायरे वो चेंज किए जा सकते हैं, क्योंकि ये कितने लोगों का हक हमारा जो मेरिट पे आ रहे हैं उनका हक तो चला गया ना। क्योंकि मुस्लिम लीग नून को इस चीज का इलम था कि आम इंतहाबात 2018 होने वाले हैं और हमें चेयरमैन नादरा की सपोर्ट के बगैर हमें सीटें नहीं मिल सकती, हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से उन्होंने ये सारा एक प्लान किया। और ये सारा प्लान किया गया, ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ जी अचानक सिस्टम क्रैश हो गया या अचानक कुछ हो गया, ये सारा प्री प्लान होता है कि एक छोटा सा इलेक्शन नहीं था, ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा था कि पाकिस्तान के एक इलेक्शन था। इमरान खान साहब भी कह रहे थे, आप समझते हैं कि हमारी कौम के साथ ऐसे ही किया जाता रहेगा, ऐसे ही उसे धोखा देता दिया जाएगा? जो मेरिट पे लोग हैं वो नहीं आ सकते, जो सिफारसी लोग हैं वो आ सकते हैं, ये समझ रहे हैं आपने क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? आपने देखा कि उस्मान मुबीन साहब ने आके क्या किया, अपने 6 लोगों को जो मंजूर नजर लोग थे उन्हें डीजी बना दिया, और जो उनके सीनियर लोग, जो उनके ऊपर लोग सीनियर लोग हैं उन्हें वेटिंग में है, उन्हें नहीं देखा गया, उसमें सीनियरिटी नहीं देखी गई और उसमें ना ही इन चीज़ों को देखा गया कि जो सीनियर लोग हैं उन्हें बकायदा अपॉइंट किया जाए, जो DGs के लेवल पे सीटें हैं और जो मरात हैं 10-10 लाख रुपए एक एक बंदा सैलरी ले रहा है और जो अलाउंसेस वगैरह और दीगर हैं वो सब कुछ लद है। सरदार साहब, देखने में ये भी आया कि 6 लोगों की कर रही हुई, उनमें से 4 लोग उनके फेवर में थे, ठीक हो गया, और उनका जो अभी तक स्केल भी अभी तक नंबर नहीं है, नंबर नहीं है, और उनको जबरदस्ती उन्होंने, क्योंकि उनके करीबी थे, करीब उनको उन्होंने 6-6 2 और आ गए मेरिट पे, 4 उन्होंने ऐसे लगा दिए। देखिए बट वो सब सर्विस रूल्स जो है ना वो तो वो क्या हम पे और आप पे लागू होते हैं, वो किसी बड़े पे नहीं लागू होते? नहीं, लागू होते हैं। अब आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको समझ भी आ रही होगी, सर्विस रूल्स जो है ना जो इन्होंने सुपर सीड किए हैं तो हाई कोर्ट में वो चैलेंज हो गए हैं, वो रिट हो गई है। और आपको पता है आजकल सिर्फ और सिर्फ अदालतें ही हैं जो सारे इदारों को ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। फिर हमें तंज व मजाक भी मिलता है कि जिस जजों का काम अब सारा यही रह गया, तो जहाँ जहाँ ज्यादती होती है वहाँ वहाँ कानून अमल दखल करके नहीं, कुछ नहीं, ना ये कुछ नहीं, ये नहीं आप कह सकते यहाँ जहाँ ज्यादती नहीं, यहाँ जहाँ ज्यादती होती है वहाँ और लोग इसी तरह आते हैं, जो गरीब का हक वो ऐसे ही जाता है क्योंकि ज्यादती करने वाले ज्यादती कर ली, अब वो आप उस पे आ गए। वट्टू साहब, ये तो हुकूमत है, वक्त को सोचना और देखना चाहिए ना कि भाई ये ज्यादती हुई है तो इसको यहीं पे रोकें, उल्टा इसको एक्सटेंशन ना दें। वक्त ने तो ये हुकूमत ने तो पिछली हुकूमत ने करवाया है, पिछली ने करवाया तो इसका भी हिस्सा होगा ना जो ये खामोश बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है ये 4 लोग उसी डिपार्टमेंट में से आए हैं और 6 में से 4 डिपार्टमेंट से जिस डिपार्टमेंट में 3 साल 3 साल TND जो डिपार्टमेंट है 3 साल उस जगह पे उस्मान मुबीन साहब ने खुद काम किया है, क्या उसी डिपार्टमेंट में सीनियर लोग मौजूद नहीं थे? चेक किया जाए, चेक करें, आपको फिर पता चलेगा
कि उसमें उस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी सीनियर लोग मौजूद थे जो सीनियरिटी पे आ रहे थे, जो कि इस पोस्ट के हकदार थे, उन्हें बलाए ताक रखा गया। जो जूनियर लोग थे उन्हें ऊपर लेवल पे डीजी लेवल पे ले आए, क्योंकि ये उस्मान मुबीन साहब के मंजूर नज़र थे। और उस्मान मुबीन साहब कौन है? जो कि मुस्लिम लीग नून के मंजूर नज़र थे, और जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत में से भी कुछ लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ दीगर लोगों की भी उन्हें सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से अभी तक वो सीट पे बैठे हुए हैं। और आज तक कोई भी उनसे ना ही कोई सवाल कर सका है, ना ही कोई पूछ सका है, सिर्फ इसी वजह से। बड़े अहम वफाकी वजीर हैं भाई जान, उनके मंजूर नजर हैं, अभी वो सिटिंग कैबिनेट के बड़े मजबूत वफाकी वजीर हैं। और साहब, देखने में ये भी आता है कि अभी जो हुकूमत है उसके भी लोग फेवर में हैं, जो जी जी बिल्कुल कर रहे हैं। देखें जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा ना, एक ही डिपार्ट TND के चार बंदों को DG बनाया ना, ये तो सर्विस रूल्स को भी इन्होंने ब्रेक कर दिए। अब एक HR डिपार्टमेंट है, उसमें टेक्निकल वाला क्या करेगा? एक मार्केटिंग है, उसमें टेक्निकल वाला क्या करेगा? एक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें टेक्निकल वाला क्या करेगा? तो यही फेलियर सिस्टम है। सरदार साहब, ये इस अदारे में नहीं है, ये और ये हर जगह पे है, भी बहुत से ऐसे हैं। बिल्कुल इसी तरह जो है शो, उसमें चीजें लाएंगे। नादरा की भी हम अगले शो में एक जो मेन चीज डिस्कस की जाएगी वो सेफ सिटी कैमरों में जो नादरा का किरदार है, किस तरह करप्शन की गई, उस हवाले से भी एक पूरा प्रोग्राम किया जाएगा। और मजीद इस हवाले से मैं आपको तफसीलात बताऊंगा कि कैसे जो RTS सिस्टम है उसमें किस तरह घपले किए गए और किस तरह जो जो मेरिट था उसे बुलाए ताक रखा गया, और सिर्फ नादरा को ही क्यों इस हवाले से चूज किया गया कि हाँ आया नादरा ही ये सब कुछ करेगा, सर नादरा ही सब कुछ देखेगा, नादरा के अलावा कोई और अदारा नहीं दे सकता। डाटा के हवाले से बात की जाती है कि हाँ आया हमारा डाटा जो है वो लीक हो जाएगा, तो क्या दीगर इदारों के पास हमारा डाटा नहीं है? सब इदारों के पास हमारा डाटा ऐसा है। जैसे ये चेयरमैन नादरा लगाए गए, तो क्या वहाँ के जो इदारे के लोग खामोश हैं, कोई आवाज़ नहीं निकलती, क्या वजह है इसमें? सर वो छोटे छोटे मुलाजमीन होते हैं, सैलरी पेड होते हैं, घर का चूल्हा चल रहा होता है, अब इतने बड़े मगरमच्छों से कौन टकराएगा, जिसके पीछे पुरानी हुकूमत के भी 4-6 फेडरल मिनिस्टर हों, आने वाली हुकूमत में पहले से उसकी सेटिंग हो, आने वाले शेडो मिनिस्टर्स उसको पहले शेडो मुहैया कर चुके हों, तो एक गरीब आदमी क्यों अपना अपने आप को नहीं। फिर ये है कि अगर मैं किसी अच्छी पोस्ट पे बैठा हूँ तो मेरा रिश्तेदार आया, तो मैं अगर वो कुछ भी नहीं है, मैं 2-3 साल उसे जॉब करवाऊँ इसी तरह, फिर मैं उसे मैं अपनी जगह लगवा दूँ। चेयरमैन नादरा के लिए PhD नेसेसरी थी, इन्होंने वेव ऑफ कर दी, क्योंकि इसी मुबीन साहब के लिए की, इसलिए कि अच्छा हमारे अदारे किधर गए? FIA इस तरह जो है वो अदारे क्यों नहीं इसकी तरफ? ये नैब का काम है, नैब अभी जो है ना कहीं और मसरूफ है, अभी उसको जो है ना मेन काम करने की फुर्सत नहीं है, अभी वो कुछ बदले ले रही है, कुछ लोगों को वैसे तंग भी कर रही है। आज मुझे एक बड़ा अलमनाक और अफसोसनाक नैब के हवाले से बात पता चली है कि एक WHO फंडिंग करती है TB प्रोग्राम्स को, जी जी, तो वो मेडिसिन ऑटोमेटिकली साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाती है, तो नैब उनके पीछे पड़ गई है। अल्लाह के बंदो, एक बंदा इतने बड़े डिपार्टमेंट का हेड बना है, क्राइटेरिया पे फॉल नहीं करता, आप उसकी तरफ हैं। चेयरमैन नादरा कोई आम पोजिशन नहीं है। आप देखें, एक बंदे ने PhD की है, उसने आके अप्लाई किया, उसको रिजेक्ट करके एक सिंपल मास्टर्स करने वाले को एक्सेप्ट कर। अच्छा मुजम्मल, आप बताएंगे जैसे कमेटी बनी थी 6 लोगों की, इतकर्री की गई, तो उसके जो कमेटी थी 8 मेंबरान थे, तो उन्होंने भी ये इनको अप्रूव कर दिया? जी, 8 मेंबरान वाली जो कमेटी थी, सबसे पहले तो SN इकबाल साहब जो उस वक्त के वजीर दाखिला थे, तो उन्होंने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने आप किस तरफ इशारा करें कि उन्होंने ही करवाया ये? जी बिल्कुल, ये उन्हीं के कहने पे सब कुछ हुआ। कमेटी ने तो अप्रूवल पता नहीं देनी थी या नहीं देनी थी, कमेटी की अप्रूवल की तो बात ही नहीं थी। जो उस वक्त के सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने अहम किरदार अदा किया, और उन्होंने बाकायदा जो चेयरमैन नादरा की मंजूरी, जो तकर्री की मंजूरी इस हवाले से करवाई, और ये कमेटी से तो मंजूरी हो या ना हो वो तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, और कमेटी तो बराए नाम ही कमेटियाँ होती हैं। तो इस हवाले से आपने देखा कि जो उस्मान मुबीन साहब हैं उनका अपने अदारे के अंदर भी किरदार इसी हवाले से देखा जा सकता है कि वो किस तरह अपने अदारे के अंदर काम कर रहे हैं, और अदारे से बाहर भी उनका क्या किरदार है। और जो नून लीग, जो कि बाहर धांधली का वेला करती है,
वो खुद देखेंगे वो किस तरह चेयरमैन नादरा को लगा कर और चेयरमैन नादरा के जरिए धांधली करवाई है उसने। क्या उसने धांधली नहीं करवाई? आरटीएस सिस्टम जो क्रैश हुआ था उसके पीछे धांधली नहीं थी? उस जो पीपल्स पार्टी शोर मचा रही है, जेयूआई फेस शोर मचा रही है और नून लीग शोर मचा रही है कि धांधली हुई है, आरटीएस सिस्टम जानबूझ के तरीके से साफ बताया है, धांधली करवाई गई तो फिर क्या शोर किया? और तहरीके और तहरीके और इल्जाम सारे तहरीक इंसाफ पर लगाए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने ये सब कुछ करवाया। तो तहरीक इंसाफ ने अगर करवाया है, तहरीक इंसाफ इस हवाले से तहकीकत क्यों नहीं करवा रही? तहरीक इंसाफ क्या चेयरमैन नादरा के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती? चेयरमैन तहकीकात होनी चाहिए, टी ओ आर बनने चाहिए और तहकीकात कौन बनाएगा ये बताएं, छह बनाएगा टी आर ये बकायदा गवर्नमेंट का काम है। जो एक जो कमेटी बनी थी अपोजिशन की और हुकूमत की एक कमेटी बनी थी जो जिसने धांधली के हवाले से तहकीकात करनी थी। और अच्छा ये सरदार साहब टीआरओ की कमेटी बनी अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ जी, आप क्या समझते हैं इस वक्त? मेरे ख्याल में वजीर दाखला इमरान खान खुद ही है ना जी जी जी, वो उनके पास टाइम नहीं है छोटे छोटे काम करने के लिए, वो बहुत बड़े लीडर हैं, वीएन रखते हैं, शर्म हमें आनी चाहिए, हमें आती है उनको आनी चाहिए। देखें चेयरमैन नादरा को तो फर्स्ट डे उनको पूछना चाहिए था कि भाई ये क्यों फ्लाप हुआ है, उन्होंने उनसे पूछने का गवारा ही नहीं किया। अब कमेटियां आपको आप क्या समझते हैं कमेटी जो नाम की सिर्फ कमेटी सर कमेटियां अपने मन पसंद दोस्तों को उबलाइज करने के लिए होती हैं। आप कमाल करते हैं शरीफ आदमी हैं, आपको नहीं समझ? अब देखें नदीम अफजल चन को किस लिए बिठा दिए, अपने यारों दोस्तों को यारों उबलाइज करते हैं हर बंदा। आप कमाल करते हैं, आप बच्चे हैं और ये हुकूमत दूध की धुली हुई है, ये छोटे काके मुन्ने हैं, बच्चे हैं, हनीमून पीरियड पे हैं, बेबी गवर्नमेंट है, इनको नहीं पता चेयरमैन नादरा जो है उसने इतना बड़ा फेलियर किया है तो फौरन फिल फॉर सरदार साहब ये बड़ी बात आपने देखिए, सरदार जो चेयरमैन नादरा थे वो तो आप खुद फेक है, खुद फेक है तो उसको पकड़े, ये क्या कर रहे हैं? कौन पकड़ेगा उसको? तो गवर्नमेंट पकड़े भाई, अभी कौन बैठा है इस वक्त? साफ चली इंसाफ चली कहाँ है? इंसाफ मुझे दिखाए ना किसी इदारे में किसी जगह पे? ऐसे ड्रामे करते हैं, ये तस्वीरें खिंचवाते हैं रेड कारपेट से लेके कहाँ कहाँ इनके चर्चे हो गए। वो साइकिल वाली बात इनकी कहाँ गई जो हॉलैंड का वजीर आजम चढ़ता था? ये तो अभी भी बैंड पे जाके शहजादों को। और आपने ये भी सुना था कि जो हेलीकॉप्टर है उसका जो है खर्चा 55 रुपए लीटर वाले हेलीकॉप्टर इनके पास है। सर कमाल करते हैं, अवाम को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के अपने यारों दोस्तों को वैसे उबलाइज कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको, अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे रहे। ये देखिए मास्टर में उसके 5 और पीएचडी में 15 मार्क्स थे, ठीक है, उन्होंने उसका उल्टी किया, क्या किया जी, मास पे 15 और पीएचडी में 5 कर दिए। मैंने पहले और अपने ही उन्होंने रोल बना के उनको क्राइटेरिया चेंज कर दिया ना। अब चोर डाकू जब बैठेंगे तो अपने चोर डाकू को उबलाइज करेंगे ना, मस्जिद के मौलवी को तो बुला के नहीं कहेंगे आप भाई तू हमारे साथ बैठ जा, क्योंकि वो तो सच्ची बातें करेगा। तो ये पहले से फेक बंदा था, ये खुद भी अभी फेक बंदे आ गए, तो इन्होंने कहा चल भाई तू हमारे जैसा है, हम इकट्ठे बैठ के फिर वही काम करेंगे। नून वालों ने अगर गलती की है तो पीटी वाले सुधारें ठीक करें। जो आप कह रहे हैं लगता है फिर ये एक ही है, सब एक ही है भाई, कैसी बातें करते हैं? उसे अगर एहसान इकबाल ने नवाजा था तो अब असद उमर क्यों नवाज रहा है? असद उमर ना नवाजे, वो करे साफ सुथरा काम। इमरान खान किधर है? इंटीरियर मिनिस्टर भी बना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर भी बना हुआ है, लीडर भी है, वीएन भी रखता है और इंसाफ के बोल बाले और चर्चे भी करता है, तो करे ना आप सफाई। ये दो नंबर लोग क्यों बिठाए हुए हैं? इतने बड़े इदारे तबाह क्यों हो रहे हैं? टेक्निकल डिपार्टमेंट के 4 बंदे उठा के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड क्यों बनाते हैं? ये गलत बात है ना, ये इस तरह के काम करेंगे तो हम किधर जाए, अवाम कहाँ जाए? आवाम के साथ इसी तरह दिन रात ज्यादतियां होती रहेंगी। जो सीनियर लोग हैं वो बेचारे वेटिंग पे लगे हुए हैं और उन्हें बजाय प्रमोट करने के उन्हें उसी जगह अहम लोग कहें, वो कॉम्पिटेंट लोग हैं। जनरल साहब ये जो हमारा ये दौर जा रहा है ना, इसमें जो अहम लोग हैं ना वो किसी काम के नहीं, जिसकी सिफारिश है, बैग है, जिसको कोई जानने वाला, जिसको कोई मिनिस्टर है, उनकी ये सर जितना बड़ा ब्रीफ केस होता है उतनी बड़ा ओहदा मिल जाता है, आप कैसी बातें करते हैं जी? राइट, अहल लोग तो बेचारे बैठे हुए हैं, वो अब क्यों बैठे हुए हैं कि चलो यार पेंशन ही मिल जाए, पेंशन के इंतजार में बैठे हैं। ये अलमिया है हमारे मुल्क में, ये अभी से नहीं है, ये पिछले 70 सालों से है। और ये जो इन्होंने सुहाने ख्वाब अवाम को दिखाए थे ना, वो भी मलिया मेट हो गए, तबाह बर्बाद हो गए। अब यही दौर आ गया कि हम शिकार पे आए हुए शिकारी की हम प्राइम मिनिस्टर हमारा उसको एज अ ड्राइवर मुहैया कर देंगे, शर्म आनी चाहिए हमें। वजीर आजम का यही काम है। मुजम्मल साहब इसके खिलाफ कौन एक्शन लेगा?
اس کے خلاف سب سے پہلے تو ایکشن بنتا ہے کہ جو تحقیقاتی کمیٹی ایک بنی تھی وہ وہ پہلے کی طرح کمیٹی بنا دی جائے, کمیٹی کیا کریں گے؟ اور یہ ہے گلاس آدھا ہے یا یہ سارے چیزیں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ٹی او آرز جو کہ سب سے انیشل سٹیج ہوتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ تعین کرنا ہے کہ تحقیقات کرنی کس چیز کی ہے اور کس کس معاملے کو دیکھنا ہے, ابھی تک اس کا ہی فیصلہ نہیں ہو سکا اور چھ ماہ گزر چکے ہیں بھائی جان. یہ سیدھی سیدھی بات آپ کو نظر آ رہی ہے, دیکھیں پندرہ سے پانچ, پانچ سے پندرہ, اور اس کے کورٹ میں آ جائیں ضلع کچہری اسلام آباد میں, ہر سول جج کے پاس میں آپ کو دکھاتا ہوں کریکشن جو ہے نا, ڈیٹا کریکشن, کسی کا آئی ڈی کارڈ, کسی کا بے فارم, کسی کا کچھ, نادرا کے خلاف 70 کورٹس ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں, ہر کورٹ میں 15-15, 20-20 کیس لگے ہوئے ہیں, نااہل لوگ ہیں, انہوں نے غلط ڈیٹا انٹری کی ہے, پیرنٹس ہوں, خود لوگ ہوں, ذلیل ہو رہے ہیں, دھکے کھا رہے ہیں, اور میں اور دو دو سال ایویڈنس نہیں ہوتی, کیوں؟ ان کا ایک ہی کارندہ ہے, ایک ہی نمائندہ ہے, پوری 70 عدالتوں کو وہ ڈیل کرتا ہے, بدماشی ہے. بالکل سردار صاحب یہی بات ہے, دیکھیں لوگ 20-20 سال سے ذلیل ہو رہے ہیں, ان کا آئی ڈی کا بلاک ہو جاتا ہے, ان کو کہتے ہیں ان کی جو ہے انکوائری کریں, انکوائری ہو جاتی ہے, 2 سال اس میں لگتے ہیں, پھر کہتے ہیں اور مسئلہ لے آتے ہیں, اس پہ کام نہیں کرتے. جب تک نااہل لوگ ہوں گے تو کیسے کام ہوگا؟ سر میں عرض کر رہا ہوں نا, ایک بندہ ہے 70 عدالتوں کو ڈیل کرتا ہے, کیا ہے بھائی تم لوگ, تمہارے اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, تم ریپرزینٹیٹر رکھو, تم اپنی لیگل ٹیم کو ایکٹیو کرو, تم لوگ کیوں زیادتیاں کرتے ہو عوام کے ساتھ؟ عوام ہی ہر جگہ رگڑے کھائے گی, یہ صرف اور صرف کچن کمیٹی ہیں مزمل صاحب, یہ ڈائننگ ہال کمیٹی ہیں, جی جی, انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا, انہوں نے صرف مراعات لینے ہوتے ہیں, انہوں نے سرکاری بنگلے لینے ہوتے ہیں, سرکاری گاڑیاں لینی ہوتی ہیں, عیاشیاں کرنی ہوتی ہیں, اپنے بچوں کو باہر جا کے انہوں نے پڑھانا ہوتا ہے, اس لیے آ کے دوستی یاری میں کمیٹیاں لیتے ہیں تاکہ شیلٹر ہوم مل جائے ان کو, اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے عوام کے ساتھ, زیادتی کر رہے ہیں. جب تک یہ نااہل لوگ, اب دیکھیں پی ایچ ڈی کے 15 نمبر تھے, ماسٹرز کے 5 نمبر تھے, جی موصوف کے لیے ٹوٹل کرائیٹیریا چینج کر کے اس کو الٹ کر دیا, پی ایچ ڈی ختم کر دی, ماسٹرز کے 15 نمبر کر دیے, اور بھائی جان کو اوپر لے, اور چیئرمین کی جو سیٹ ہے وہ پلیٹ میں پھولوں کے ساتھ سجا کے دے دی. محترم انجوائے کریں, آپ کے سوا پورے پاکستان میں کوئی اہل بندہ نہیں ہے, جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے یہ سارے پاگل لوگ ہیں, ان کو پی ایچ ڈی کرنی نہیں چاہیے تھی. اچھا مزمل, آر ٹی ایس جو سسٹم ہے صرف یہ جو ہے نادرا ہی اسے فعال کر سکتی, کوئی اور ادارہ بھی ہے؟ ہمارے پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں, ہمارے پاکستان میں سب سے پہلے تو منسٹری آف آئی ٹی, ایک پوری آئی ٹی کی منسٹری ہے, تو ایک سوالیہ نشان یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیوں پروجیکٹ نہیں دیا گیا, کیا اس میں یہ اہلیت نہیں تھی جو ہے آپ کے ایک ایپلیکیشن بنانے کی ہوتی ہے؟ اوپن اس کا اہلیت کی بات چھوڑے نا, وہ خدمات نہیں دے سکتا ہوگا ان کو وہ والی جو ان کو چاہیے تھی. اصل بات ہی یہ ہے کہ انہیں وہ خدمات حاصل نہیں ہو سکتی تھی جو کہ انہوں نے چیئرمین نادرا سے لینی تھی, اور جو پچھلی گورنمنٹ نے لی, اور جو کہ داندلی کا سب سے زیادہ شور مچا رہی ہے اس وقت, جو کہ مسلم لیگ نون سب سے زیادہ داندلی کا شور مچا رہی ہے, اسی نے سب سے زیادہ خدمات حاصل کی, اور باقاعدہ اپنا چیئرمین نادرا لگا کر, تاکہ اور بڈ کا دیکھ لیں آپ, ٹینڈر کا دیکھ لیں, کیا اس کا کوئی ٹینڈر ہوا تھا؟ میری بات سنیں, یہ ابھی موصوف نے چیئرمین نے اپنے بہنوئی کو بھی کوئی اچھی خاصی پوسٹ دی ہے, اب نون کو مارے گولی دفاع کریں, وہ چلی گئی ہے, اب جو بیٹھے یہ اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں, پاگل ہیں, صاحب جب ان کا کیا چکر ہے؟ اگر وہ بھی سفارشی ہے تو اس نے بھی لگوانے ہیں سر, یہ تو وہی تو بات ہے نا, سسٹم پورا چینج کرنا پڑے گا. اب دیکھیں نا سسٹم کون چینج کرے گا, عوام کو تو دھوکے میں رکھتے ہیں, آنکھوں میں دھول جھونک دیتے ہیں, تیاری فرما وہ جو ہے نا ان کی تیاری الیکشن والی وہ اور ہوتی ہے. اچھا مزمل صاحب, دو منٹ ہمارے پاس ہے, جس طرح یہ جو آر ٹی ایس سسٹم تھا اس کی ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے یا نادرا ہے, کون اس کا ذمہ دار؟ نادرا ہی ذمہ دار ہے, کیونکہ مین سرور آپ کا نادرا میں تھا, اور صرف الیکشن کمیشن اور جو ریٹرننگ اور پریزائڈنگ آفیسر تھے ان کے پاس ریڈ اونلی کا آپشنس تھا کہ وہ صرف اپنا ڈیٹا انٹر کر سکتے تھے, اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے, اور نہ ہی کچھ ایڈٹ کر سکتے تھے, نہ ہی, صرف انہوں نے اپلیکیشن کو رن کرنا تھا, اور اپلیکیشن کے ذریعے اپنا ڈیٹا پریزائڈنگ آفیسرز نے الیکشن کمیشن کو بھیجنا تھا اور پی ٹی وی کو بھیجنا تھا. سردار صاحب دیکھیں جس طرح چیئرمین نادرا لگائے گئے اسی طرح لگنے چاہیے آپ بتا رہے, لاسٹ میں اس طرح کوئی بھی نہیں لگنا چاہیے, چپڑاسی بھی نہیں لگنا چاہیے اس طرح کا نااہل بندہ. دوسری بات ہے اس میں الیکشن کمیشن بھی ذمہ دار تھا,
उसको क्या पड़ी थी इस तरह का प्रोजेक्ट लेने की, जब कोई अहल बंदे नहीं था। पहले इलेक्शन कमीशन इसका जिम्मेदार है, फिर नादरा है, दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। और इस तरह के नाअहल लोगों को जब तक आप नहीं हटाएंगे, नहीं निकालेंगे, इसी तरह हमारी आवाम, हमारे इदारे, हमारा मुल्क तबाह बर्बाद जी, होता बहुत रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज का आपने प्रोग्राम देखा, मज़ीद जो है लास्ट जो अगला प्रोग्राम होगा उसमें जो नादरा की और भी ऐसी हैं मिस्टेक वो हम उजागर करेंगे, ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में मुझे इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में मैं हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।